प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। यहां जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने ओलंपियन खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। जहां भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूर्व बहुमत से जीत का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया ने राजस्थान में जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हमें जनता पर पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस के समर्थन में मतदान करेगी। आपको बता दें कि कृष्णा पूनिया मूलतः चूरू लोकसभा सीट से आती हैं, लेकिन कांग्रेस ने जयपुर ग्रामीण सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में कृष्णा पूनिया वोट किए बगैर मतदान केंद्रों पर जाकर अपने समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बौखलाहट है। पिछले 5 वर्ष के जुमलों के ऊपर चुनाव नहीं है और आज उन्हें अफवाहों के सिवाय कुछ और दिख नहीं रहा है कि कृष्णा पूनिया ने पार्टी छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आप मीडिया वाले साथियों से मैं कहना चाहूंगी, मैं हाई प्रोफाइल नहीं हूँ, मेरे साथ वो उतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन आप सबके माध्यम से सभी जयपुर ग्रामीण जनता के लोगों से कहना चाहूंगी कि कृष्णा पूनिया गर्व करती है कि उस पार्टी के साथ है जिसमें कृष्णा पूनिया को आगे बढ़ने का मौका हर जगह पे मिला है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हूँ और कायरता के साथ ऐसा कोई काम नहीं करेगी। कृष्णा पूनिया स्वाभिमानी है और महिला है, महिला होने पे गर्व।